आज मैं आपको इंडिया की टॉप 5 ऐसी बेस्ट अंडररेटेड क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज के बारे में बताने लूँ जो कि आपको शायद नहीं पता होगा, और बहुत सारी वेब सीरीज तो ऐसी जिनका नाम आप पहली बार आज ही सुनने वाले हो, लेकिन इन सारे वेब सीरीज की स्टोरी बहुत ही यूनिक है जो कि आपको अपने साथ एंड तक हुक करके रखने वाली है। तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे लिस्ट में पांचवें नंबर की सीरीज है लव स्कैंडल एंड डॉक्टर्स। इस सीरीज की स्टोरी फोकस करती है एक मर्डर पे जिसकी वजह से कई डॉक्टर प्राइम सस्पेक्ट बन जाते और उस हॉस्पिटल का रेपुटेशन भी खराब होने लगता है, जिसके बाद से इस केस की इन्वेस्टिगेशन एक अच्छे पुलिस ऑफिसर को दे दी जाती है जो कि इस केस की बारीकी से जाँच कर रहा होता है। लेकिन जो किलर है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड है और उसने एक भी ऐसा क्लू छोड़ा नहीं होता जिससे कि कोई उसका पता लगा सके। लेकिन इस सीरीज में इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है जो कि आपको हर दूसरा आदमी किलर लगने लगता है, इस वजह से आप इस सीरीज़ को एंड तक देखते रह जाते हो। इस सीरीज़ में आपको टोटल 15 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं जो कि 18 से 20 मिनट लंबे हैं ईच, और ये सीरीज़ आपको Z5 पे देखने को मिल जाएगी। हमारे लिस्ट में चौथे नंबर की सीरीज़ है 13 मसूरी। इस सीरीज़ की स्टोरी सेट है मसूरी में, जहाँ पे एक सीरियल किलर होता है और वो लोगों को मार रहा होता है, और उसका मर्डर करने का तरीका भी सेम होता है। वो हमेशा मर्डर करने के बाद लोगों के शरीर में कांच घुसा देता है और उस कांच पे अपना नाम लिख देता है, लेकिन अभी तक किसी भी पुलिस वाले ने ना तो उसको देखा होता है और ना ही उसके बारे में किसी भी पुलिस वाले को कुछ भी पता होता है। और सीरीज़ में ट्विस्ट तब आता है जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे दो पुलिस वाले भी एक मिस्टीरियस वे में गायब हो जाते हैं, और उसके बाद सीरीज़ में एंट्री होती है एक अदिति नाम की एक्स जर्नलिस्ट की, जो कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव भी है, और वो इस सीरियल किलर को पकड़ना चाहती है क्योंकि इस सीरियल किलर से इनडायरेक्टली उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है पास्ट में, जिसके वजह से वो इस सीरियल किलर को पकड़ना चाहती है। तो कौन है वो सीरियल किलर और वो क्यों लोगों को मार रहा होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। इस सीरीज़ में टोटल 13 एपिसोड्स है जो कि 20 से 30 मिनट लंबे हैं ईच, और ये सीरीज़ आपको वूड सेलेक्ट पे देखने को मिल जाएगी। थर्ड नंबर की सीरीज है डार्क 7 वाइट। ये एक पॉलिटिकल क्राइम ड्रामा सीरीज है जिसकी स्टोरी फोकस करती है राजस्थान के एक सीएम पे जिसका नाम यूडीओ होता है, और वो सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण करने जा रहा होता है और इतने में उसका कोई मर्डर कर देता है, और उसके बाद उसके ही सात दोस्त प्राइम सस्पेक्ट बन जाते और सातों दोस्त के पास कोई ना कोई अच्छा मोटिव होता है उस सीएम को मारने के लिए। लेकिन पुलिस इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई होती है, तो क्या एंड तक पुलिस सीएम के मर्डरर को पकड़ पाती है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये पॉलिटिकल ड्रामा सीरीज़ देखनी होगी। और अगर आपको पॉलिटिकल ड्रामा सीरीज़ पसंद आती होगी तो ये सीरीज़ आपके लिए एक मस्ट वॉच सीरीज़ भी हो सकती है। इस सीरीज़ में आपको टोटल 10 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे जो कि 20 से 25 मिनट लंबे हैं ईच, और ये सीरीज़ आपको Z5 पे देखने को मिल जाएगी। सेकेंड नंबर की सीरीज़ है द स्टोन मैन मर्डरर। जैसा कि आपको इस सीरीज़ के नाम से ही पता चल गया होगा कि स्टोरी किस पे बेस्ड है, ये एक बंगाली वेब सीरीज़ है, लेकिन ये वेब सीरीज़ आपको हिंदी डबिंग के साथ भी देखने को मिल जाएगी। ये सीरीज़ एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है जिसमें आपको दिखाया गया कि एक सीरियल किलर होता है जो कि 1985 से 1989 तक मुंबई और कोलकाता में लोगों को मार रहा होता है, लेकिन उसके मर्डर करने का तरीका कुछ अलग होता है। वो लोगों को किसी गन, चाकू या बॉम्ब से नहीं मारता, बल्कि वो लोगों को मारने के लिए पत्थर का यूज़ करता है, और पत्थर का यूज़ करके वो लोगों का मर्डर करता है। तो क्या एंड तक पुलिस उसको पकड़ पाती है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। इस सीरीज़ के अब तक एक सीज़न आ चुके हैं जिसमें आपको 9 एपिसोड देखने को मिलते हैं, और ये सीरीज़ आपको MX प्लेयर पे हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट नंबर की सीरीज़ बताने से पहले अगर आपको अभी तक इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हमारे लिस्ट में फर्स्ट नंबर की सीरीज़ है रहस्य रोमांच। इस सीरीज़ की स्टोरी बहुत ही यूनिक है, और इस सीरीज़ में आपको तीन अलग अलग स्टोरी दिखाई गई है। जो पहली स्टोरी है वो है एक गैरेज मालिक की, जो कि दिन में तो गैरेज का काम करता है लेकिन रात को वो गाड़ी चोरी करने का काम करता है। लेकिन सीरीज़ में ट्विस्ट तब आ जाता है जब इस गैरेज मालिक के पास से ही कोई एक महंगी बाइक चुरा लेता है। सेकेंड नंबर की स्टोरी है एक जुआड़ी की, जो कि जुआ में बहुत ही तेज होता है और हमेशा से वो जुआ में जीतते आता रहता है। तो उसको गैम्बलिंग में कुछ बड़ा करना होता तो उसका एक फ्रेंड उसको सजेशन देता है कि एक ऐसा जगह है जहाँ पे वो कुछ ही टाइम में बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता है, लेकिन वहाँ का एक कंडीशन है कि वहाँ पे उसको दाव पे अपने शरीर के कुछ पार्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो वो वहाँ पे जाके अपनी एक आँख को दाव पे लगा देता है, और उसके बाद जो होता है वो जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। एंड जो थर्ड नंबर की स्टोरी है वो है एक मोस्ट वॉन्टेड क्रिमिनल की, जो कि फ़िलहाल ही जेल तोड़ के भागा होता है और एक बार में जाके छुप गया होता है, लेकिन उस बार में कोई नहीं होता सिवाय वहाँ पे एक मैनेजर होती है।
तो उसके बाद जो कुछ होता है उसको सीरीज में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया, और ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। ये सीरीज आपको MX प्लेयर पे देखने को मिल जाएगी। तो ये थी हमारी कुछ टॉप 5 ऐसी वेब सीरीज जो कि अंडररेटेड और क्राइम थ्रिलर है, और इसमें से कौन सी वेब सीरीज की स्टोरी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, और वेब सीरीज से जुड़े और वीडियोस के लिए आप इन सारे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो।